फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हास्यरस देखेंगे। ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे कैसे लिखना है इस वीडियो में हम फुल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्योंकि बोर्ड में सभी बच्चों को 2 नंबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, इसलिए उनका नंबर कट जाता है। तो इसमें आपको बताऊँगा कि स्पष्टीकरण कैसे करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। यहाँ पे देख लीजिए हास्यरस। पहले हास्यरस की आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे परिभाषा क्या हुई, किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा, आकार, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर जो मनोभाव या विनोद, मनोभाव यानी मन में जो इच्छा या विनोद उत्पन्न होता है, हास्यरस कहते हैं। यही हास्य नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्यरस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा हो गई फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसके हम उदाहरण को देखेंगे। इसके मैं 2 उदाहरण लिख रहा हूँ। ये वाला थोड़ा उदाहरण टफ है, लेकिन अगला उदाहरण मैं जैसे दोनों बता दे रहा हूँ, बहुत लड़के जैसे किताबों में ये दिया होता है, और मैं जैसे छाट के लिखा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब थी, उसमें से मैंने लिखा हूँ। जैसे वो कंपटीशन की किताब थी, उसमें से मैंने लिखा हूँ। यहाँ पे देखिए, बिंद के वासी उदासी तपोविधारी महाविनायक महाबिरुनारी दुखारे। तो इसका और भी ये लाइन है फ्रेंड्स, 4 लाइन है फ्रेंड्स। तो मैं 4 लाइन को दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे देख लीजिए कि गौतम तीर तरि तुलसी, तो कथा सुनिबे मनुबृंद सुखारे। है मिला सब चंद्रमुखी, परसे पंद मंजुल कंज तिहारे। इन्हीं भली रघुनायक तू, जो करुणा करी कानन को पग धारे। तो फ्रेंड्स, आपको ये उदाहरण देख लेना चाहिए। और इसके मैं सेकेंड उदाहरण भी लेके आया हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ पे पहले ये उदाहरण देख के स्पष्टीकरण देख लेते हैं। अस्थाई भाव हास्य। और फ्रेंड्स, इसमें आश्रय क्या है पाठक। फ्रेंड्स, इसमें आपको ऐसे जब आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा। अस्थाई भाव अलग, जैसे मान लीजिए अस्थाई भाव, आश्रय, विषय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभास, अनुभाव फ्रेंड्स ये, और संचारी भाव, ये सबको ऐसे लिख लीजिए। और उसमें आपको जैसे मैंने एक पहली वीडियो बना दी कि स्थायी भाव कैसे रहेगा, मतलब लिखना पड़ेगा आश्रय क्या है। उसको प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और स्थायी भाव हास्य, आश्रय है पाठक या श्रोता, विषय है आलम्बन बिंदवासी, और उद्दीपन है गौतम की स्त्री का उद्गार उद्धार, जो अनुभाव है फ्रेंड्स मुनियों की कथा आदि सुनना, और संचारी भाव है हर्ष उत्सुकता चल चलता आदि। और इसका बहुत ही मज़ेदार उदाहरण यहाँ पे है। यहाँ पे देख लीजिए, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार है। और फ्रेंड्स, ये आपको जैसे मैं यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं 2 बार लिखा हूँ, ये गलत है, आप सोच रहे हैं। यहाँ पे है घंटा भर आलाप, फिर यहाँ पे लाइन शुरू होगी, तो दूसरी लाइन से घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो फ्रेंड्स, जो मतलब राग मिला रहा था, वो मतलब बहुत ही देर से राग मिलाते रहा, और 15-20 मिनट तक वह राग मिला, जैसे उसे 15-20 मिनट तक मिला कि राग बना करके अपना गाना शुरू कर दो, लेकिन वह गाते रहा, मतलब कोई रागिया नहीं बिठा रहा है, और मतलब अपना सारी बहका रहा लोगों को। तो वही है उसमें। और फिर वो मतलब जब लोग सोचे कि अब नहीं बताएगा ये, मतलब गाना उन्होंने नहीं गाएगा, तो वहाँ से लोग धीरे धीरे खुसकने चालू हुए। तो इसी वीडियो में यही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे चैनल पावरफुल स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए।